छत्तीसगढ़ में चुनाव प्रचार के लिए प्रियंका गांधी पहुंची रायपुर। कांग्रेस प्रत्याशियों के समर्थन में शाम 6 बजे करेंगी रोड शो। जांजगीर चांपा विधानसभा के तहत कांग्रेस की बड़ी आम सभा। स्टार प्रचारक के तौर पर सीएम भूपेश बघेल जनसभा को संबोधित करेंगे। प्रत्याशी व्यास कश्यप और जयपुर विधानसभा के प्रत्याशी बालेश्वर साहू के समर्थन में वोट मांगेंगे। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का आज छत्तीसगढ़ दौरा। कुछ ही देर में बिलासपुर के कोचा में करेंगे जनसभा और इससे पहले कुचारी में स्मृति ईरानी ने रैली के दौरान बीजेपी के पक्ष में वोट मांगे। चुनाव प्रचार के लिए रायपुर पहुंचे केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस पर बोला हमला। कहा कांग्रेस झूठी, कांग्रेस की गारंटियां भी झूठी है। अनुराग ठाकुर ने महादेव ऐप मामले को लेकर कांग्रेस को घेरा। अनुराग ठाकुर ने कहा महादेव ऐप में खाने वाले करोड़ों रुपए की धुलाई अब छत्तीसगढ़ करने के लिए तैयार है। भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में जीत के बाद दो नए संभाग बनाने की घोषणा की। सीएम बघेल ने कहा रायगढ़ और कोरिया को बनाया जाएगा नया संभाग। बैगंटपुर विधानसभा क्षेत्र में बघेल की चुनावी सभा। कहा मुख्यमंत्री कांग्रेस आलाकमान तय करेगा, जो जिम्मेदारी मिलेगी उसे मैं निभाऊंगा। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव सूरजपुर के भटगांव विधानसभा में कई जगह आम सभाओं को संबोधित किया। पारसनाथ राजवाड़ी के लिए भी वोट मांगे। टीएस सिंहदेव के बीजेपी भाजपा घोषणा पत्र पर कटाक्ष करते हुए कहा कि जो हमें पहले कहते थे कि अरेबरी बांट रहे हैं, अगर बोनस दिया तो धान नहीं उठाएंगे, वह भी पीछे पीछे लग गए। कुमारी शैलजा ने बीजेपी पर बोला हमला। कहा भाजपा जानती है कि वो चुनाव हार रही है, इसलिए हमारी नकल करते हुए घोषणाएं करती जा रही है। चुनाव मतलब न्यूज 24।